वेलकम टू बाल गोविंदम. दिस इज फॉर क्लास फर्स्ट टॉपिक प्रोनाउंस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन क्लियर करने के लिए अपन गोल्डन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद इस फर्स्ट पेज पे आएंगे. प्रोनाउन जब अपन चेंज करेंगे तो आई और यू, ये अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन और अ वुमेन, ठीक है, तब इसका यूज़ होगा आई और यू का. एंड यूज़ ऑफ ही, अ बॉय और अ मैन के लिए क्या यूज़ होगा, ही. एंड शी, अ गर्ल और अ वुमेन, जब गर्ल और वुमेन की बात की जाएगी तो शी का यूज़ होगा. एंड इट इज़, इट का यूज़ किस लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स में. तो ये क्या है इसके गोल्डन रूल्स. आई और यू का यूज़ होगा बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन में, और ही का यूज़ बॉय और मैन में, एंड शी का यूज़ गर्ल एंड वुमेन में. इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स में होगा. यस, लेट्स स्टार्ट. Read the sets of sentence given the below. Yes, Nidhi is a girl. जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, Nidhi is a girl. Nidhi is dancing. And next diagram है, Anubhav is a boy. Anubhav likes playing. Would you like to repeat the names of Nidhi and Anubhav? Over again. Nidhi and Anubhav are naming words. We can use other words instead of saying these nouns again and again. Read the sentence again. Nidhi is a girl, okay, and she is dancing. Nidhi is a girl. और निधि के बारे में बात की जा रही है, जब अपन उसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो Nidhi is a girl, she is dancing. Next, अनुभव इज़ अ बॉय. जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, अनुभव इज़ अ बॉय, और वापस अनुभव के बारे में ही बात की जा रही है तो उसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो अनुभव इज़ अ बॉय, ही लाइक्स प्लेइंग. सी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउंस निधि, एंड ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउंस अनुभव. सी एंड ही आर प्रोनाउंस. यस, नेक्स्ट, The words that can be used instead of nouns are called pronouns. The words that can be used instead of noun are called pronouns. Read this sentence. Kajal and I went to the market. We enjoy shopping. है ना? The people are in the park. They are jogging. Kajal and I went to the market. बोलता है काजल और मैं मार्केट गए. We enjoyed shopping, और हमने क्या किया, shopping का मज़ा उठाया, ख़रीदारी की. The people are in the park, जो लोग थे वो क्या थे, पार्क में थे. They are jogging, और वे क्या कर रहे थे, वे jogging कर रहे थे. I have a table, it made of wood, है ना, बोलते हैं ना मेरे पास क्या है, एक bench है, it made of wood, और वो किससे बनी है, लकड़ी से. A goat came to the garden, it ate plants. A goat came to the garden, जो बकरी थी वो बगीचे में आई, it eaten plants, और उसने क्या खाए, पौधे. There are some other pronouns which are used in place of different nouns. कुछ pronouns होते हैं जो nouns के different places पे use किए जाते हैं. They is used for plural noun. We use they for the people around us, near or far. In the singular way, it is he or she. We use we to talk about the other people with us. Filling the blanks with pronoun. We have a new car. फिर हाँ, blank is a beautiful car. तो car क्या एक non living thing से, तो यहाँ अपन it fill up करेंगे. फिर blank are my friends. Friends है तो they are my friends हो जाएगा. Like के साथ blank है, ये देखो blank like you वेरी मच, तो आई हो जाएगा, आई लाइक यू वेरी मच. एंड देखो ब्लैंक इज मिसिस तिवारी, तो जैसे मिसिस तिवारी से पता चल रहा है कि ये किसी वुमेन का नाम है, तो शी का यूज़ हो जाएगा. जैसे कि अपने रूल में देखा है कि सी का यूज़ वुमेन के साथ होगा तो शी आएगा, वुमेन के अगर नाम होगा और उसको प्रोनाउन में चेंज करना होगा तो सी इज मिसिस तिवारी. फिर ब्लैंक इज अ नर्स तो हो जाएगा सी इज अ नर्स, यहाँ पे शी हो जाएगा. नेक्स्ट, ब्लैंक आई एम अ स्टूडेंट. ब्लैंक आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ आई फिलअप करेंगे. नेक्स्ट, ब्लैंक इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, तो पार्क क्या है, नॉन लिविंग
थिंग्स है इसलिए इट का यूज करेंगे. ब्लैंक इज माय फ्रेंड गौरव, जैसे पता चल रहा है कि गौरव, गौरव क्या है, अ मैन, तो मैन में किसका यूज होगा, ही का यूज होगा. फिर है आर गुड डांसर्स, है ना, तो दे आर गुड डांसर ब्लैंक में आ जाएगा दे. नेक्स्ट है ब्लैंक आई एम अ डॉक्टर, जिसमें बोल रहा है एम अ डॉक्टर, तो यहाँ आई हो जाएगा. फिर गोल्डन रूल्स में आ गया, दिस इज यूज फॉर अ पर्सन प्लेस ऑर्डर और अ थिंग्स दैट कैन नियर अस. दिस का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ क्या होंगे, पीपल मतलब पर्सन प्लेस एंड थिंग्स दैट आर जो पास होंगे वहाँ दिस का यूज़ होगा. दिस फॉर वन और किसके लिए, किसी एक चीज़ के लिए दिस का यूज़ होगा. एंड दिस फॉर मैन, दिस फॉर मोर देन, मतलब कि जब बहुत सारे चीज़ें हो जाएगी ये सभी पर्सन प्लेस, तब अपन किसका यूज़ करेंगे, दिस का. दैट इज़ यूज फॉर अ पर्सन प्लेस और अ थिंग दैट इज़ फार और अस. दैट का यूज़ होगा फॉर वन, मतलब किसी एक के लिए. एंड दोज का यूज़ होगा फॉर मोर देन के लिए. फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस दैट दीज और दोज, जैसे ब्लैंक आर फ्रॉक्स, तो फ्रॉक्स इसमें दूर है तो यहाँ पे हो जाएगा दीज. नेक्स्ट है जैसे कार, देखो कब पास में दिखाई दे रहा है और ये क्या है, सिंगुलर है, तो इज़ अ कार, तो यहाँ हो जाएगा दिस. नेक्स्ट है देखो एक ही गर्ल है लेकिन ये क्या है, इससे फार है, दूर है इससे, तो डैट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ गर्ल, है ना. फिर नेक्स्ट है ये देखो बॉयज, इतने सारे बॉयज साथ में वो भी पास में, तो यहाँ यूज़ हो जाएगा दीज आर चिल्ड्रंस. नेक्स्ट है ब्लैंक आर वेजिटेबल्स, तो देखो फार है इससे दूर है, तो यहाँ दीज हो जाएगा. फिर देखो वॉस एकदम पास में है, तो यहाँ मोर अबाउट प्रोनाउन, आई इज़ यूज बाई पर्सन स्पीकिंग वी राइट एम विथ आई, है ना. एंड इज़ यूज फॉर वन पर्सन, इसका यूज़ जब किसी एक इंसान के लिए बात की जाए उसके साथ इसका यूज़ करेंगे. एंड आई का यूज़ जब अपन करेंगे एम के साथ. वी राइट इज़ विथ ही शी एंड इट, यू इज़ यूज फॉर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, वी राइट आर विथ यू, यू के साथ आर का यूज़ किया जाएगा जब अपन प्लूरल्स में बात करेंगे, है ना, बहुत सारे पर्सन्स की बात की जाएगी. तो री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द सिंगुलर्स प्रोनाउंस आई ही शी और इट फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स. रूही इज माई फ्रेंड, रूही हेल्प्स मी, अब इसको प्रोनाउन में चेंज करना है, तो रूही इज़ माई फ्रेंड एंड रूही की जगह रूही क्या है, गर्ल है, तो यहाँ आ जाएगा शी हेल्प्स मी. नेक्स्ट द डॉग ड्रिंक्स मिल्स, फिर वापस द डॉग लाइक ब्रेड टू, तो अपन इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो द डॉग ड्रिंक्स मिल्क, फिर ये हो जाएगा, ये एनिमल है तो इसलिए यहाँ यूज़ करेंगे इट, प्रोनाउन में चेंज करने के लिए द डॉग की जगह इट लाइक्स ब्रेड टू. द मैन इज़ फैट, द मैन ईट्स लॉट्स ऑफ फूड, तो द मैन इज़ फैट एंड मैन, जैसे कि पता चल रहा है ये, इसका अपन यूज़ करेंगे इस द मैन की जगह, इसको ही प्रोनाउन में चेंज कर देंगे तो ही आ जाएगा, ही ईट्स लॉट्स ऑफ फूड. अमित इज़ अ डॉक्टर, अमित गोज टू हिज क्लिनिक एवरी डे, तो अमित इज़ अ डॉक्टर और इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे, वापस अमित के बारे में बात की जा रही है, तो जब इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो अमित की जगह ही हो जाएगा, तो ही गोज टू हिज क्लिनिक एवरी डे. नेक्स्ट है हर नेम इज़ विभा, विभा इज़ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हर नेम इज़ विभा, तो विभा की जगह प्रोनाउन में चेंज करने के लिए सी इज़ स्ट्रॉन्ग. मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहित इज़ माई क्लासमेट, तो मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय और वापस मोहित का यूज़ करने के लिए यहाँ ही आ जाएगा, तो ही इज़ माई क्लासमेट. फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रोनाउन, आपको क्या करना है, ये जो आपको ब्लैंक सिर्फ ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपको प्रोनाउंस फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ. माई नेम इज़ रिया, ठीक है, और एम के साथ क्या आता है आई, तो आई एम अ स्टूडेंट. फील आ लव ब्लैंक है तो यहाँ आई आ जाएगा ईटिंग केक. फिर ये बोल रहा है ब्लैंक इट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो इट इज़ इट हो जाएगा, है ना. माई ब्रदर इज़ गोइंग टू द मार्केट, ब्रदर की बात की जा रही है, मैन है तो ही का यूज़ करेंगे, ही हैज़ मनी. माई मदर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो सी इज़ ड्रिंकिंग टी. अनमोल एंड पीयूष आर नॉटी, दे ब्रॉक द विंडोज पैन. यस,
this is your next exercise. Circle the correct noun. This is Babu and he and she is my brother. तब इसको correct करना है और correct पर circle करना है. तो this is Babu, he is my brother. This is Vani, she is my sister. फिर this is my book, तो it is interesting. This is my bedroom, तो it is not tidy. This is my teacher, Mrs. Sa. She helps me. This is my uncle, Sajid. I पे सर्कल किया and with him. Play with him. This is Sheila. She is my friends. This is a toy. It is new. ये जो भी इसमें प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं आपको इसमें प्रोनाउन सेलेक्ट करने हैं और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें प्रोनाउन के साथ इसको मैच करके इसको सही करना है. जैसे बाबू था तो ये ही हो जाएगा. वानी थी, जैसे गर्ल का साउंड गर्ल है तो शी का यूज़ हो गया. बुक है तो इट हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए. फिर बेडरूम है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट हो जाएगा. फिर टीचर है, वो भी मिसेस साहब बोल रहा है तो शी हो जाएगा. फिर साजिश, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हैम के साथ एंड खुद का बता रहा है तो यहाँ पे आई का यूज़ हो जाएगा. फिर है जैसे शीला बोल रहा है तो शीला साउंड पता चल रहा है नाम से तो शी का यूज़ करेंगे. एंड टॉय है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट का यूज़ करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.